नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा। सुर्खियों के बाद बढ़ते आगे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पटना से मिल रही है। बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर बीजेपी का यह प्रदर्शन है। तो सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता चंदन झा की तरफ, जो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंदन, जानना चाहेंगे आपसे, बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वजह क्या है? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। पोर्टिको में आकर बिहार में बढ़ते हुए अपराध और पिछले दिनों जो भी अपराध हुए हैं, चाहे हत्याकांड, बिजनाथी हत्याकांड, विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड या रिलायंस के इंजीनियर हत्याकांड, इस तरह की तमाम जो आपराधिक घटनाएं पिछले 3 महीने में घटी हैं, उन सभी की तफ्तीश, उसका उद्भेदन, उसके अपराधियों को की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के विधानसभा में प्रदर्शन किया है। और उसके ठीक 2 मिनट के बाद चंदन, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हम अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखलाना चाहेंगे ये प्रदर्शन की, बीजेपी के प्रदर्शन की। तो बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है विधानसभा के ठीक सामने। बता दें आपको कि आज बजट पेश होने जा रहा है, बिहार का आम बजट, और आम बजट के पेश होने से पहले ही बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हाथों में तख्तियां, पोस्टर लिए बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चंदन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चंदन, बीजेपी काफी उग्र दिख रही है बढ़ते क्राइम रेट को लेकर, और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, बीजेपी ने इस बार पहले ही से प्लान कर लिया था जो बजट सत्र में सरकार के कामों का विरोध करेंगे, और बढ़ते हुए अपराध को लेकर के उसका मुख्य मुद्दा है। और पिछले 3 महीने में कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं घटी जो दहला देने वाली थी। बिहार का नाम सुर्खियों में आ गया आपराधिक घटनाओं को लेकर के, चाहे इंजीनियर हत्याकांड हो, चाहे वो विधायक के द्वारा दुष्कर्म का मामला हो, इस तरह के कई ऐसे मामले हैं। और बीजेपी ने एसएजी के तहत, और ये बजट सत्र में बीजेपी का प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर सरकार का विरोध करना उसकी स्ट्रैटेजी के तहत है। आज जिस मुद्दे पर विरोध हुआ है, हो सकता है जो अगली कार्रवाई में उस मुद्दे पर विरोध नहीं हो, दूसरे मुद्दे पर, क्योंकि धान खरीद का भी मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि भाकपा माले के दोनों विधायक। बीजेपी ने अपना आक्रामक रुख दिखलाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। करेंगे तो हमारी मांग है कि इस धान खरीद की सीमा को बढ़ाई जाए, इसको अप्रैल तक ले जाया जाए, और हर किसान को हमारे धान खरीद पर 500 रुपए का बोनस दिया जाए, बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए। तो धान खरीद और बढ़ता क्राइम रेट, ये कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी ने अपना आक्रामक रुख दिखलाना शुरू कर दिया है। चंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखलाने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर रांची से मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की। झारखंड विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जेपीएससी मामले को लेकर प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन में शामिल है विपक्ष के विधायक। तो विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है झारखंड विधानसभा के बाहर। तो आशुतोष सिन्हा हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से। आशुतोष, हंगामा प्रदर्शन की तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं झारखंड विधानसभा के अंदर। जेपीएससी का मामला उठा है, और क्या जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आप हमें? जी रश्मि, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले जो है सारे विपक्षी सदस्य, वो कांग्रेस के हों या जेएमएम के हों या फिर मास्टर्स हों या फिर माले के हों या फिर जो अन्य जो दल के लोग हैं, जितने भी विपक्ष है, सारे विपक्षी सदस्यों ने जेपीएससी और कॉन्ट्रैक्ट जो डीडीसी की जो बहाली करने का सरकार ने निर्णय लिया है, उसके विरोध में जो है नारेबाजी की, जनता और सरकार पर निरंकुश होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, विपक्षी सदस्यों का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो झारखंड में जेपीएससी के द्वारा जो अनुशंसा पर जो नियुक्तियां हो रही है बाहरी लोगों की, वो नियुक्तियां नहीं होने देंगे।
इसको लेकर के सदन के अंदर भी उन्होंने हंगामा करने की बात कही है कि सदन के अंदर भी इस मामले को हम लोग उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। आशुतोष, जेपीएससी के मामले को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है, इस मसले पर सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार पिछले दिनों जिस तरह से जेपीएससी मामले पर जो बैठकें हुई थी, दो दिन कल देर शाम भी बैठक हुई थी विपक्षी सदस्यों के साथ है, सरकार के साथ में जो विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में, इसमें हालांकि कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, उसी से नाराज होकर के जी। तो अब तक जेपीएससी के मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है, नतीजा लगातार विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखे आशुतोष, अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपके साथ, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार के बजट की। तो अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी विधानसभा में वर्ष 2016-17 का बजट पेश करेंगे। महागठबंधन सरकार और अब्दुल बारी सिद्दकी दोनों का यह पहला बजट होगा। जानकारी के मुताबिक इस साल राज्य का बजट करीब 1,45,000 करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। 1,45,000 करोड़ में से 71,500 करोड़ रुपए योजना मद में और बाकी राशि गैर योजना मद में खर्च होगी। बिहार के बजट में सीएम के साथ निश्चय और शिक्षा पर खास फोकस रहेगा। बजट से पहले जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार से खास बातचीत में वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी ने कहा है कि बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। बिहार सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। बतौर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी जो हैं वो बजट पेश करेंगे सदन के पटल से। हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री। सर, बजट पेश होना है, इस बजट में क्या खास होगा? जो आय व्यय का विवरणी है वही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुछ हमारे कार्यक्रम होंगे। 18,000 करोड़ रुपये जो है वो शिक्षा को लेकर के रखा गया है, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल, ग्रामीण विकास को लेकर के भी विशेष ध्यान दिया गया। नहीं, जो विकास के जो मतलब मजबूत कारक कहिए, तो उसमें शिक्षा पे, इस वजह से कि शिक्षा पे नन प्लान हेड में जो है बहुत सारी जो कमिटेड लाइबिलिटी है वो करनी पड़ती है, मगर स्वास्थ्य पे, फिर रोड पे, ग्रामीण विकास पे, जो हमारे जो 7 निश्चय हैं जिनको हमने एक तरह से जनता के सामने जो है कमिट किया था कि मैं ये करूँगा, उन सारी चीज़ों का समावेश होगा बजट में। तो और वित्त मंत्री आम लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि बजट तो ठीक है 12 बजे पेश हो जाएगा, आपके द्वारा बजट की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जो उम्मीद लगाए बैठे तो क्या उन्हें ऑल इज वेल कहा जाएगा? नहीं, उम्मीद पे पानी नहीं फिरेगा। बिल्कुल उम्मीद पे पानी नहीं फिरेगा, ये कहना है बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी का। तो आम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी उम्मीद जो है उस पर राज्य सरकार खड़ी उतरे। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो बिहार के लोगों के उम्मीद पर पानी नहीं फिरेगा, ये कहना वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दकी का। तो आज दोपहर 12 बजे आम बजट पेश होने जा रहा है बिहार का। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां सत्र की कार्यवाही चल रही है। आप पूरक पूछिएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी की तरफ से हंगामा भी देखने को मिल रहा है, सत्र की कार्यवाही चल रही है। तो बीजेपी ने अपना आक्रामक रुख दिखलाना शुरू कर दिया है, जो कयास लगाए जा रहे थे वो बातें धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गई हैं। श्री अशोक कुमार सिंह, श्री
अशोक कुमार सिंह, श्री अमित कुमार। इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है और सदन के बाहर भी। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल जारी है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सत्र शुरू होने से पहले भी बीजेपी ने हंगामा किया था धान खरीद को लेकर, बढ़ते क्राइम रेट को लेकर। और अब तस्वीरें दूसरी भी आप देख रहे हैं कि कैसे सदन के भीतर भी हंगामा हो रहा है। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, और बिहार में जो मैंडेट मिला है निश्चित तौर पर इन लोगों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, न कि सदन का इस तरीके से अवमानना करना चाहिए। अब आप अपने सदस्यों से तो जरा कहिए। महोदय, महोदय, हमारा आग्रह है कि राज्य में बढ़े अपराध बिगड़ती। महोदय, आपसे, महोदय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाना चाहा है और कहा है इसलिए आप नियमानुसार उठाइएगा, हम उस पर अपना नियमन देंगे। जब ये बात हो गई तब फिर ये इतने सदस्य इस तरीके से और व्यवस्था क्यों फैला रहे हैं? पूरे राज्य में व्यवस्था महोदय है, पूरे राज्य की जनता का माहौल है और अभी तक सत्ता के संरक्षित विधायक राजवल्लभ यादव गिरफ्तारी सरकार नहीं कर पाई। महोदय, सत्ता का संरक्षण उन्हें मिल रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। विशेषकर ओझा केदार सिंह, ब्रजनाथ सिंह जो हमारे एनडीए के नेता थे, इनके दिन दहाड़े बहुत हत्या होती है, किसी की गिरफ्तारी महोदय नहीं हो रही है। लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। पटना के व्यवसायी रवि की हत्या होती है, अभियंताओं की महोदय हत्या हो रही है। पूरा बिहार असुरक्षित है, आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। पूरे राज्य में भय आतंक का महोदय माहौल है। उन परिस्थितियों में सदन चलाने के पहले जो हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव महोदय है, आपसे आग्रह है कि पूर्व के वर्षों में भी ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किए जाते रहे, जो बहस हुई है, हम आपसे आग्रह करेंगे। बढ़ते मतलब अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, इस पर पहले आप चर्चा कराएं, उसके बाद आगे कार्रवाई करें। नहीं, आपको तो हमने कह दिया है कि आप नियमानुसार उठाइएगा और हम लोग उस पर अपना नियमन देंगे, लेकिन इस तरीके से बाकी कामकाज को तो बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। आप महोदय नियमन दे दें और क्वेश्चन आवर का पहले आप हमारा कार्यस्थल के अनुमति राज्य जब से नई सरकार लगातार ही जा रही है, हरण या जो आहरी भोगला जा रहा है, गवाह कार्रवाई जा रहा है, नमी में ठप हो गए हैं, अपराध में कमने जब अपराध बढ़ रही है, मंत्री और सत्ताधारी के विधायकों को कोई भी आता है और संरक्षण मिल रहा है, कोई भी बाहर वल्लभ यादव भी नहीं जाए, पूरी तरह से सरकार विफल रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा और मुजफ्फरपुर के नेता ब्रजनाथ सिंह और हमारे नेता केदार सिंह के दिन दहाड़े हत्या महोदय होती है, लगातार राज्य में राजनीतिक हत्याएं महोदय हो रही है और आम जनता अपने आप को भयभीत महसूस कर रही है। सुरक्षित हो गया है, नेता विधानसभा की नियमावली से कोई जानकारी नहीं है। राज्य में जब राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के शासन पर उन्होंने संशोधन किया है, उस संशोधन पर जब आप बोलते तब अच्छा लगता, लेकिन उनका कुछ जाने के लिए आप महोदय स्वीकार कर लीजिए, हम लोग आग्रह से है, ले जाइए, सब लोग आ जाएंगे जगह पर, आप स्वीकार कीजिए, उसको बहस कराइए, हम आपके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष है। तो इस वक्त अपडेट मिल रही है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो बेल के सामने आकर तख्तियां लेकर हंगामा प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं आसन से आग्रह करूंगा कि इनसे अनुरोध किया जाए कि जो अभी प्रबोधन कार्यक्रम भी हुए हैं महोदय, और प्रबोधन कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य रहे हैं, और उन लोगों ने कहा है महोदय
संबोधन कार्यक्रम में कि सदन की कार्यवाही भी ठीक से चलनी चाहिए। उस सदन में ये महोदय बहस का जगह है, ये नारा लगाने का जगह नहीं है। और जब लोकसभा बाधित होता है महोदय, तो कहा जाता है कि नियम और परंपराओं का और संविधान की अवहेलना हो रही है। और उसी सदन में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के नेता और सदस्य बेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं महोदय, तो हंगामा से समस्या का नहीं हो सकता है। आप विधानसभा के कार्य संचालन निवा के गली के स्वरूप में आप जिन विषयों को लाना चाहते हैं आप लाइए और उस पर सरकार जवाब देगी। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बजट सत्र है महोदय और हर विषयों के डिमांड आ रहे हैं महोदय और अलग अलग विषयों के डिमांड है, चाहे तो उस पर अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन महोदय इनका मकसद समस्या का हल नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, अखबार और मीडिया में जाने का मकसद है महोदय। इसलिए महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से कि कम से कम कार्य संचालन नियमावली का हिफाजत कीजिए और संसदीय कार्य प्रणाली में आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपकी कार्रवाई नियमानुकूल नहीं है। आप कार्रवाई पर ध्यान दीजिए और इस तरह से आप जो कर रहे हैं इसका खामियाजा तो जनता ने आपको रोक दिया, आपको कहां खड़ा कर दिया है नियम और परिपाटियों का अवहेलना करने के कारण। इसलिए नियम और संविधान के हिसाब से सदन में आने चाहिए और सवाल को रखना चाहिए। पूरे राज्य में महोदय कानून का राज समाप्त हो गया है, कहीं कानून का राज दिख नहीं रहा है। लगातार हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं आम बात हो गई है। पूरा राज भय आतंक के माहौल में महोदय जी रहा है। पत्रकारों को धमकी दी जा रही है, लोकतंत्र के चौथे सब पत्रकारों को आईजी पटना के द्वारा धमकी दी जाती है। पटना में इंटर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना है। फिजिक्स का प्रश्न पत्र लीक परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाजार में उपलब्ध था। पहली पाली में फिजिक्स की परीक्षा हो रही है। परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर्स लीक होने की खबर के बाद नकल पर नकेल के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीएसईबी के चेयरमैन ने पेपर लीक होने की जानकारी से इनकार किया है। अगली खबर कटिहार से है, जहां अपराधियों ने एक केला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर सहायक थाना इलाके की है। हत्या के पीछे की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। उधर घटना के विरोध में मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया और हथियारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हम लोग तो घर में थे, हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन 3:30 बजे घर से यहाँ साइकिल लेके निकला और 4:30 बजे या 4:15 बजे हम लोग को कोई यहाँ से दूसरा केला वाला फ़ोन किया, यहाँ आके देखे तो गिरा हुआ है। उसको हम अपना से उठाए तो शरीर में कहीं जो है हम लोग को जल्दी से पता नहीं लगा। बाद में शर्ट उट उठा के देखे तो 2 जगह पर जो है गोली का निशान मिला। अगली खबर पूर्णिया से है, जहां जानकी नगर थाना के चोपड़ा बाजार से लापता 3 स्कूली बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उधर पुलिस लगातार इन बच्चों को तलाश लेने का आश्वासन दे रही है। जानकारी के मुताबिक लापता 2 लड़कियां और एक लड़का चचेरे भाई बहन है, जो 12 जनवरी को फोटो खिंचवाने के लिए जानकी नगर बाजार गए थे, लेकिन इसके बाद बच्चे घर नहीं लौटे। इसके बाद बच्चों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तीनों भाई एक ही परिवार के हैं बच्चे, और तीनों भाई बहन मिल करके 2 बजे दिन में फोटो कराने गए थे बैंक में खाता खुलाने हेतु। तो उसी दरमियान में लेट से हम लोग सोचे कि लेट हो गया क्यों, इतना शाम तक जब आशा देखे नहीं आने के बाद हम सगे संबंधी के यहाँ पता लगाए जो अभी तक क्यों नहीं आए। तो जब रात भर देखे हर जगह पता नहीं चला, तो हम उसके बाद जो है ना थाना प्रभारी जानकी नगर को एक एप्लीकेशन सनहा दर्ज करवाए। मधेपुरा में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में अस्थायी कर्मचारियों का धरना पिछले 9 दिनों से जारी है। ये लोग आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति को बंद करने और अस्थायी कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग को लेकर
आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी है, जिससे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन इन कर्मचारियों से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन को देखते हुए विश्वविद्यालय के परिसर में धारा 144 लगा दी गई है। इसके बावजूद अस्थायी कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अब बात बाढ़ की, तो जहां एक डंगा पंचायत में चलने वाले प्राथमिक स्कूल का हाल बदहाल है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस स्कूल को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। करीब 10 साल पहले यहां पर स्कूल का भवन बनना शुरू हुआ, लेकिन भवन आज तक अधूरा है। हालात ये हैं कि अभी भी इस अधूरे भवन की दीवारें गिर सकती हैं और बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इन बातों से अनजान बना हुआ बैठा है। कुछ दिनों पहले स्कूल के एक मकान की छत अचानक गिर गई। स्कूल के बगल से किसी वाहन के गुजरने पर मकान हिलने लगती है। वहीं शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को इस बाबत सूचना भी दी है, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस वक्त पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित की गई है। तो दोपहर 12 बजे बिहार का आम बजट भी पेश होना है, और बजट पेश होने से पहले ही बीजेपी की तरफ से हंगामा देखने को मिला, और इस हंगामे की वजह से बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हम लोग उस पर अपना नियमन देंगे, लेकिन इस तरीके से बाकी कामकाज को तो बाधित करने का कोई औचित्य नहीं है। आप महोदय नियमन दे दें और क्वेश्चन आवर का पहले आप हमारा कार्यस्थल दूसरी तारीखों के आज बिना को बिना सब लोग आ जाएंगे जगह पर। आप कार्यस्थल स्वीकार कीजिए, उसको बहस कराइए, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर रविंद्र यादव, डॉक्टर रविंद्र यादव, डॉक्टर रविंद्र यादव। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी की तरफ से हंगामा प्रदर्शन देखने को मिला, और सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई फिर से बीजेपी ने हंगामा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा प्रदर्शन किया, कानून व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ धान खरीद को लेकर भी बीजेपी ने हंगामा प्रदर्शन किया है, और इसी हंगामे प्रदर्शन की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।